वही आज की डेट में ना इंडियन मार्केट में ओनली R15 है अपने सेगमेंट में, यदि देखें ना 155 cc में और इस प्राइस रेंज में, इन फीचर्स इन पावर के साथ में, तो R15 के अलावा कोई बाइक नहीं है जो R15 को टक्कर दे पाए। मतलब R15 एक अकेली बाइक है भाई जो इतने सारे फीचर्स देती है, इतना बढ़िया लुक्स देती है, वरना कोई भी बाइक अपडेट नहीं की अभी तक। दूसरी RS 200 जिसको अपडेट नहीं कर रही है कंपनी, सो लोग जो है उसको तो फिर कहां से ही कंपेयर करेंगे उससे। तो वहां पे जो है यदि अपडेट हो जाए RS 200 में तो शायद R15 को टक्कर मिल सकती है। बट अभी जो है भाई R15 अकेली राज कर रही है अपने सेगमेंट में, लेकिन इस राज को ना जल्दी ही भाई टक्कर देने वाली है होंडा की CBR। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है ना भाई एक जबरदस्त शो होने वाला है इंडिया में, और एक्सपो शो, एंड उसमें एक ऐसी बाइक आएगी जिसको देख के भाई आप लोग बोलोगे कि यार अब क्या R15 और क्या RS 200, अब लेनी है तो यही बाइक लेनी है। अब मैं जिस बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ यार होंडा की अपकमिंग बाइक्स के बारे में, होंडा की CBR 150R, 250RR इंडियन मार्केट में आ सकती है, एंड 150RR के भी चांसेस हैं। सो आपको बता दूं 150 आज जो हम RR तो जो है दोनों ही है, 150RR भी 250RR भी है, लेकिन हम बात करेंगे 150RR के बारे में कि 150 के कितने चांसेस हैं आने के, लॉन्च होने के कितने चांसेस हैं, क्या कुछ प्राइस होगी, क्या कुछ फीचर्स हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो चलिए इस करते हैं वीडियो को स्टार्ट, एंड 250RR की वीडियो भी जल्दी ही आएगी। बाकी कमेंट करके बताओ इस पे वीडियो लानी है फिर नहीं लानी है। सो ये सबसे पहले तो मैं लुक्स के बारे में बात करना चाहूँ, क्योंकि भाई जो लुक्स है ना CBR 150RR के वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा ओसम है। एंड जो लुक्स के मामले में यदि मैं किसी बाइक को यहाँ पे रखूँ ना, तो भाई इस बाइक की किसी के साथ भी मतलब टक्कर नहीं है लुक्स के मामले में। ये बाइक अकेली है जो इतना बढ़िया लुक देती है, वरना कोई भी बाइक इस बाइक के लुक्स को कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर लुक्स के मामले में नो डाउट है काफ़ी बढ़िया लुक्स हैं। उसके बाद ड्यूल चेन लीबिस वगैरह आपको मिल जाता है, फीचर्स भी अच्छे खासे हैं, लाइक फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन देखने मिलता है, 150cc का इंजन आपको मिलता है, स्लीपर क्लच आपको मिल जाती है, पावर वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है, लगभग 20 BHP के अराउंड, 19 से 20 BHP, एंड इंडियन वर्जन में जो है थोड़ी बहुत कम पावर देखने मिल सकती है, ऑलमोस्ट लाइक 19 बोलो या फिर 18.8 के अराउंड, तो ऐसी कुछ पावर आपको मिलेगी। मतलब R15 में जितनी पावर है ना उतनी पावर आपको इसके अंदर देखने मिलेगी। उसके बाद गाइस ये जो बाइक है लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ में आती है, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें आपको देखने मिलता है, इसका जो टैंक है वो 12 लीटर का है, और जो बाइक लाइक एरोडाइनमिक्स जो क्रिएट करती है वो भी जबरदस्त। तो यहाँ पे जो है ना टॉप स्पीड भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी इसके एरोडाइनमिक्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा इसकी शेप जो लुक्स है ना भाई वो उसी लाइक चीज़ को देखते हुए बनाया गया है कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिले। तो यहाँ पे आपको आराम से जो है इस 150 तक की टॉप स्पीड मिल सकती है। यदि माइलेज की बात करो तो 40 तक की माइलेज ये बाइक पे आपको दे देगी, एंड इस बाइक का जो हेडलैम्प सेटअप है फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप और देखने में ज़बरदस्त लगता है। इसकी बहन मतलब बड़ी बहन में आपको थ्रोटल बाय वायर भी देखने को मिलता है फीचर, जो कि आपको 150 में नहीं मिलता। उसके अलावा इस ये जो बाइक है देखने में आपको R15 वगैरह से मतलब कहीं से भी मिलती जुलती नहीं लगेगी। ये बाइक मतलब एक अलग ही लुक्स के साथ में आती है, आई डोंट नो भाई किसने डिजाइन की थी, बट सीरियसली 250RR और 150RR लुक्स में काफी बेहतर है। तो आपको बता दूं इस लॉन्च और प्राइसिंग के बारे में, तो ये बाइक जो ना लॉन्च हो सकती है ऑटो एक्सपो 2023 में, और जो प्राइस है वो लगभग इसकी 2 लाख के करीब ऑन रोड जाएगी। तो हो सकता है कि आपको R15 और RS 200 के प्राइस के आसपास ही देखने मिले, तो आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। बाकी इस मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको 250RR के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं। बाकी इस किस किस बाइक पे आप चाहते हो कि इस पे वीडियो बनाऊं, तो उस पे जरूर बनाऊंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी इसी तो कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।